में 33 है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इजी है, इसको हम देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अक्टूबर नंबर 14-22 का क्वेश्चन है ये। हेलो, इसको हम देखते हैं भाई। जी, तो 33 में रेवेन्यू दिया हुआ है 2 लाख का, इन्वेंट्री दी हुई ओपनिंग 15,500 की, इन्वेंट्री क्लोजिंग दी हुई 24,500 की, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी हुई है 8 टाइम्स, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स दिया हुआ है आप कितना 7 टाइम्स। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम इसी के ऊपर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने निकालनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए आपको रेवेन्यू जो है वो चाहिए। तो रेवेन्यू में दिया हुआ है 2 लाख का, ठीक है जी, लेकिन उस 2 लाख के रेवेन्यू से हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सेल्स नहीं निकाल सकते। जी सर, रेवेन्यू सेल्स ही होते हैं ना। जी, रेवेन्यू सेल्स को ही कहते हैं। जी बिल्कुल, रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल्स। रेवेन्यू हम सेल्स को ही कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है, आपने याद किया हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है जी। तो एवरेज इन्वेंट्री हमें पता है और ये बराबर किसके है हमारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स के, इक्वल टू 8। एवरेज इन्वेंट्री हमें पता है कि वो कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल लेते हैं। क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, देखें, 15,500 प्लस 24,500 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका 20,000 आंसर आ जाएगा। अब वैल्यूज में पुट कर लेंगे आप, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी कितनी है 20,000 इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 1,60,000, ठीक है जी। इसको देखें, इसमें कोई मसला तो मुझे बताएं, बड़ा इजी है, सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया है। हमने क्या किया है कि हमने एवरेज इन्वेंट्री फाइंड की है पहले, वो क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, और उसको पुट किया है, फिर हमने 20,000 निकलेगी हमारी, उसको फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारी जो है वो हमें क्वेश्चन में पता है कितनी है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर, जी जी सर, जी कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड कर दिया हमने 2,000 के साथ। जी बिल्कुल, ये तू 20,000 सर जी एवरेज इन्वेंटरी थी। जी 20,000 एवरेज इन्वेंटरी थी ना, इज इक्वल टू 8, तो 20,000 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20,000 इनटू 8, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का 1,60,000। ओके ओके, समझ आ गई। ओके ओके, और सर जी ऊपर क्या किया है, ये 15, वो हमने ओपनिंग इन्वेंटरी निकाली 500 प्लस 24,500 डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, जी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंटरी निकाली है ना। एवरेज इन्वेंटरी हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहां आप क्लास में हो ना, ओके आगे हमें निकालनी थी परचेजेस, बहुत आसान है परचेज निकालना। कैसे हम निकालेंगे परचेजेस,
आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है बराबर होती है आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसमें वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हमें दी हुई 15,500 प्लस परचेजेस हमें नहीं पता माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर देंगे 24,500। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता है ऑलरेडी कितनी दी हुई है, हम निकाल लिया ना कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने 1,60,000 की। अब यहां से हम सॉल्व कर लेंगे तो परचेजेस का आंसर आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1,60,000 माइनस 15,500 प्लस 24,500, आपका आंसर आ जाएगा परचेजेस का विच इज वेरी इजी 1,60,000 माइनस 15,500 प्लस 24,500 और आंसर इज 1,69,000। ये मैंने परचेजेस भी फाइंड कर। अब मैंने निकालना है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स यानी जीपी ओवर सेल्स, जीपी टू सेल्स की रेशियो फाइंड करनी है मैंने। जीपी ओवर सेल्स हम फाइंड कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। पहले ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ वो हम फाइंड कर लेंगे पहले। कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट हम? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखते हैं हम सेल्स हमारे पास कितनी है, क्वेश्चन में पहले से दी हुई है सेल्स, सेल्स दी हुई है 2,00,000 की माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है 1,60,000 हमने निकाली है, तो जीपी आपका कितना आ जाएगा 40,000। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा 40,000 जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स 2,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मेरे पास जीपी ओवर सेल्स रेशो का आंसर आ जाएगा जो बेसिकली मुझे चाहिए। वो क्या आ जाएगा देख लेते हैं, 40,000 डिवाइड बाय 2,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20% आपका आंसर आ जाएगा राइट। अब हमने निकालने एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हम कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स रेशियो दी हुई 7%, इसका मतलब है आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बराबर है सेल्स के 7% की, वो निकाल लेंगे सेल्स का 7% निकाल लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 14,000। ठीक है जी, तो 14,000 आपका नेट प्रॉफिट निकल आया। अब हम क्या निकाल लेंगे एक्सपेंसेस, वो कैसे निकालेंगे जी? इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट इक्वल टू, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना निकला हुआ है 40,000 माइनस नेट प्रॉफिट कितना है 14,000, मेरे एक्सपेंसेस आ जाएंगे कितने के 36,000 के, नहीं 36 नहीं आएंगे 26,000 के एक्सपेंसेस आ जाएंगे मेरे पास। कैलकुलेटर के देख लें 40,000 माइनस 14,000 मेरे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे 26,000 के। इस क्वेश्चन को जरा एक दफा रिपीट करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ये वेल एस्टेब्लिश्ड क्वेश्चन है रेशियोज का। मार्कअप मार्जिन इसमें नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए हमारे पास उसने क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला दिया हुआ था विच इज 8 times। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। फिजान वेलकम ऑन बोर्ड, इट इज गुड टू सी यू इन द क्लास। होपफुली एक आधे दिन में आपको समझ आना शुरू हो जाएगी बिकॉज यू हैव मिस्ड 2 lectures। ओके सर, अपना माइक बंद कर दें जी, थैंक यू। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री बराबर है 8 के, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पे कि 8 times है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड करूंगा एवरेज इन्वेंट्री से। अब एवरेज इन्वेंट्री तो मेरे पास है नहीं, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 15,500 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 24,500
डिवाइड बाई टू एवरेज इन्वेंट्री आ गई 20,000. कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैंने डिवाइड किया 20,000 से इज इक्वल टू 8. ये 20,000 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स विच इज 1,60,000. तो ऐसे मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर ली अपनी. अब मैंने फाइंड करनी है परचेजेस. मुझे पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री के. कॉस्ट ऑफ सेल्स मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ 1,60,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई क्वेश्चन में 15,500 प्लस परचेजेस मुझे नहीं पता माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई 24,500. मैंने ये वैल्यूज पुट की तो परचेजेस मेरे पास आ जाएंगी 1,60,000 माइनस 15,500 प्लस 24,500 1,69,000 मेरे पास परचेजेस आ जाएंगे. फिर मैंने निकालनी है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है मैं यहाँ लिख के दोबारा बता रहा हूँ. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100. ये जीपी और सेल्स रेशियो का फॉर्मूला होता है. अब जीपी बराबर किसके होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेल्स क्वेश्चन में दी हुई है 2,00,000 माइनस कर दी मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,60,000 जो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ. मेरे पास जीपी आ जाएगा 40,000. अब इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं 40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 2,00,000 इनटू 100 तो 20% मेरा जीपी ओवर सेल्स रेशियो का आंसर आ जाए. अब मैंने निकालने एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस निकालने के लिए हमें नेट प्रॉफिट चाहिए क्योंकि एक्सपेंसेस बराबर होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट के. नेट प्रॉफिट उसने कहा है कि 7% है सेल्स का. ये दिया हुआ है नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स रेशियो 7%. तो 2,00,000 का 7% मैंने निकाला तो 14,000 मेरे पास नेट प्रॉफिट निकल आया. अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे 40,000 माइनस 14,000 26,000 के मेरे पास एक्सपेंसेस का आंसर आ गया. बेटा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट होते हैं. दोबारा रिपीट कर रहा हूं. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट होता है. तो एक्सपेंसेस बराबर किसके होंगे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट के. उसी फॉर्मूले से मैंने कैलकुलेट किए. जी यहां तक बात समझ आ गई है. इसको मैं मिटा दूं. सिकंदर आगे चलें. यस सर. जी इसको रब करते हैं और हम चलते हैं अब आगे अपने सवाल की तरफ कि मजीद क्वेश्चन में एक्सपेंसेस थे और प्रॉफिट फॉर द ईयर मांगा हुआ था वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 14,000 का. हमें उसकी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पार्ट इसका फिलहाल अभी हम नहीं करेंगे. इन्वेंट्री से रिलेटेड है इसलिए हम छोड़ देंगे. 34 questions, question का solution मैं आपको भेजूंगा खुद. 34 question का solution मैं आपको भेजूंगा खुद. किस तरह ऑनलाइन वीडियो सेंड करूंगा. नेक्स्ट चलते हैं हम. सर आपने रिकॉर्डिंग्स भी भेजनी थी मुझे. मैंने भेजी नहीं आपको. नहीं. ओके चलें ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. 36 क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं. इन्वेंटरी दी हुई है क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है मार्कअप दिया हुआ है. ठीक है हमने रेवेन्यू फाइंड करना है. देखिए मार्कअप दिया हुआ है. आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है और मार्कअप दिया हुआ है. तो मार्कअप तो होता ही है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स. मार्कअप क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स. सॉरी मार्कअप होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. आई एम सॉरी. तो मार्कअप आपको दिया हुआ है 40%. 40% मींस दैट इट इज द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट. और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दी हुई है 90,000. तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का 90,000 का इजीली निकाल लेंगे कितना 40%. तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और उसकी मदद से मैं इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं. यानी कि 90,000 का मैं निकाल लूंगा 40% क्योंकि मार्कअप 40% है. मेरे पास 36,000 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. अब मैं सेल्स फाइंड कर लूंगा जो उसने क्वेश्चन में कहा है. सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दी हुई कितनी 90,000. इसमें प्लस कर देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट 36,000. कितना आता है जी. जी यार आंसर क्या आता है हमारा. सेल्स कितनी आ जाएंगी.
आपकी सेल्स आ जाएंगी 1,26,000, 1,26,000 आपकी सेल्स निकलेंगे। इस तरीके से हमने सेल्स जो है वो फाइंड कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट उसने क्या हमें मांगा। वह परचेजेस मांगी हुई हमसे और एक्सपेंसेस मांगे हुए, परचेजेस और एक्सपेंसेस हमसे मांगे हुए। ये बी पार्ट है, ये मेरा ख्याल है ए पार्ट है। ओके देखते हैं हम, अब हम फाइंड करते हैं परचेजेस। तो परचेजेस हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस कर लूंगा आपसे अगेन इन द सेम मैनर। यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द परचेजेस। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है बराबर होती है आपके ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री की, राइट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम ऑलरेडी निकाल, हमें दी हुई है क्वेश्चन में 90,000 इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, क्वेश्चन में दी हुई है 11,000 प्लस परचेजेस हमें नहीं पता, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में दी हुई है 37,000, ठीक है जी। इससे हम परचेजेस की अमाउंट फाइंड कर लेंगे आसानी के साथ, इज इक्वल टू 90,000, इसमें हम माइनस करेंगे 11,000, इसमें प्लस कर देंगे 37,000, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। परचेजेस देखते हैं हमारी कितनी आ जाएंगी, 90,000 माइनस 11,000 प्लस 37,000, तो परचेज मेरे पास आ जाएंगी 1,16,000 की परचेज आ जाएंगी। अब मैंने एक्सपेंसेस फाइंड करने हैं, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है मेरे पास, बहुत ही आसान है अगेन उसी फॉर्मूले से जो पीछे मैंने डिस्कस किए हैं। एक्सपेंसेस बराबर किसके होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट के, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट के। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हमने अभी नहीं निकाला। ओके हम निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, इधर निकाल लेते हैं हम। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा बराबर होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स की। तो सेल्स हमें नहीं दी हुई, सेल्स हमने फाइंड कर ली हुई है, कितनी है 1,26,000। अच्छा जीपी हम निकाल तो चुके हैं, 36,000 हमारा जीपी तो है, तो 36,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से माइनस कर देंगे आप नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,900, तो आपके पास एक्सपेंसेस का आंसर आ जाएगा क्योंकि आ जाएगा 17,100। ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर लिया, इसको लिख लेंगे बिल्कुल सेम उस तरह सॉल्व किया जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ताकि हम इससे आगे चल सकें। जी आगे चलते हैं इससे हम। अब नेक्स्ट उसने क्या मांगा हुआ हमसे क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस हम निकाल चुके हैं, प्रॉफिट मार्जिन कह रहे हैं निकालना है आपने, रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालनी है, वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालनी है, क्विक रेशियो निकालनी है। पहले प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट फॉर द ईयर टू रेवेन्यू रेशियो हम निकालते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। तो मैं पीछे जा रहा हूं क्योंकि मुझे डाटा तो यहीं से चाहिए ना, प्रॉफिट मुझे कितना दिया हुआ है आपने निकाला हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,900। मैंने यहाँ भी शो किया हुआ है आपके सामने, यहाँ पे शो किया हुआ है, ये रहा प्रॉफिट 18,900। तो मैं क्या करूंगा, मैं वर्किंग अप इसकी कर लेता हूं थोड़ा सा और स्पेस में जी। नेट प्रॉफिट रेशियो हमने फाइंड करनी है सर, ये क्वेश्चन 36 ही है जी, वही चल रहा है जी, वही चल रहा है, यू आर राइट। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो नेट प्रॉफिट हमने कितना निकाला है जी, 18,900 निकाला नहीं बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल्स हमने निकालनी थी 1,26,000 की, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट रेशियो जो है उसका आंसर आ जाएगा। तो मैं निकालता हूँ 18,900 डिवाइडेड बाय 1,26,000
इनटू 100 15% मेरा आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो का, परसेंटेज में आंसर लिखते हैं इसमें हम। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या निकालना है आपने। नेक्स्ट आपने निकालना है जी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और करंट रेशियो और क्विक रेशियो। आ जाते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैंने फाइंड करनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है अफराज, याद करना ही पड़ेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर का इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो हमारी 90,000 है, बल्कि वो क्वेश्चन में दी हुई थी, आई एम सॉरी, 90,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो यहां ओपनिंग लिखी हुई है 11,000 प्लस 37,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो 24,000 मेरे पास आ जाएगा। सर ये आपने कहां से लिया? बेटा ये 11,000 लिखा हुआ है यहां पे फॉर्मूले में, मैंने ऑलरेडी पुट किया हुआ था 11,000 प्लस 37,000। क्वेश्चन में भी गिवन है ये, क्वेश्चन में भी गिवन है ये, लेकिन क्वेश्चन मेरे सामने अभी मैंने खोला नहीं हुआ तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन में भी गिवन है ये, देखिए 11,000 ओपनिंग क्लोजिंग 37,000 प्लस डिवाइड बाय 2 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 90,000 डिवाइडेड बाय 24,000 तो 3.75 आपकी आ जाएगी, 3.75 टाइम्स लिखते हैं इसको हम, इसका आंसर टाइम्स में आता है बेटा, इसका आंसर हम लिखते हैं किसमें, टाइम्स में, 3.75 टाइम्स में इसका हम आंसर लिखेंगे। टाइम्स में इसलिए लिखेंगे इसे क्विक रेशो, नहीं नहीं नहीं, टाइम्स का मतलब है कि साल में 3.75 टाइम्स मर्तबा हम इन्वेंट्री को सेल कर देते हैं, ये बताती है हाउ क्विकली यू आर एबल टू सेल योर इन्वेंट्री। आउट ऑफ द होल ईयर वी आर एबल टू सेल अवर इन्वेंट्री, वी आर एबल टू कन्वर्ट अवर इन्वेंट्री इनटू सेल्स 3.75 टाइम्स। तीन दफा हम अपना स्टॉक खाली कर देते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर सेल आउट कर देते हैं। आगे हमने निकालनी है वर्किंग कैपिटल रेशियो या करंट रेशियो भी कहते हैं इसको हम, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, अब देखते हैं क्वेश्चन में करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। देखिए बेटा करंट एसेट्स आपके कौन कौन से होते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, बैंक करंट एसेट है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की दी हुई है, 37,000 की, दैट इज योर करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल कितने के दिए हुए हैं, 14,200 के, दैट इज योर करंट एसेट, ऐड कर लेंगे। और बैंक डेबिट दिया हुआ है, ये भी आपका करंट एसेट है 2800 का। तो 54,000 के आपके टोटल करंट एसेट्स जो है वो बन जाएंगे, 37,000 प्लस 14,200 प्लस 2800, 54,000 के आपके बनेंगे करंट एसेट्स। तो ये हम लिख लेते हैं 54,000 के करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और वो कौन सी है हमारे पास, ट्रेड पेबल्स। इसके अलावा और कोई करंट लायबिलिटी सवाल में मौजूद नहीं है, विच इज 27,000। तो 27,000 की करंट लायबिलिटी आपकी आ जाएगी, वो मैं यहां लिख लूंगा, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा टू टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपके टू टाइम्स नहीं सॉरी 2:1, इसको इस तरह लिखते हैं हम 2:1, यानी योर करंट एसेट्स आर डबल देन योर करंट लायबिलिटीज, यू आर एबल टू पे योर करंट डेट्स इजीली, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स करंट ऑब्लिगेशंस क्विकली। अब हमने क्या निकालनी है, क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो, या इसको लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जी करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो माइनस कर देते हैं इसमें से हम, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यानी फार्मूला तकरीबन वही है करंट रेशियो का है, लेकिन उसमें हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो माइनस कर दी है। करंट एसेट्स ऊपर हमें दिए हुए कितने के, 54,000 के, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री हम माइनस कर देंगे 37,000 की, और डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से जो कि 27,000 की।
आपके पास करंट रेशियो क्विक रेशियो का या एसेट टेस्ट रेशियो का आंसर आ जाएगा 54,000 माइनस 37,000 डिवाइडेड बाय 27,000 योर आंसर विल बी 0.63 रेशो 1 ये रेशो 1 रेशो 1 ज्यादा अच्छी होती है इसका मतलब है कि वी आर नॉट एबल टू मीट अवर करंट ऑब्लिगेशंस वेरी क्विकली बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक मोस्ट ऑफ द अमाउंट इज स्टक इन स्टॉक Most of the money is lying idle in stock, and we are not able to convert our stock into cash quickly, into sales quickly. So, stock की वजह से आपकी liquid ratio जो है वो कम आ रही है 0.63:1 आ रही है जबकि best ratio 1:1 होती है. So your quick ratio is not good. It shows कि आपकी liquidity position को इतनी अच्छी नहीं है. तो ये मैंने रेशियोज निकाल दी हैं ये मेरे ख्याल है आपने लिख ली हैं तो हम आगे चलें या लिख लें तो ये काउंटिंग रेशियोज का चैप्टर है ये ओ लेवल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ओ लेवल्स में ये इसका सवाल जो है मस्ट आना जरूरी तो नहीं है लेकिन हर क्वेश्चन के साथ आपको इसका पार्ट मिल सकता है You can have a part of counting ratios in every question. पता है आपको वो लेवल्स में आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 35 MCQs होंगे जो आपने अटेम्प्ट करने हैं और 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं 28 अक्टूबर को पेपर है आपका और फर्स्ट को आपका मेरा ख्याल है MCQs का है इंशाल्लाह होपफुली हम तब तक जो है वो अच्छे तरीके से अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो आगे देखते हैं नेक्स्ट अब हम इसको मुझे ऑब्वियसली अब मिटाना है जी सर मेरा हो जाएगा वो कंप्लीट आपका कंप्लीट नहीं होना आपने दोबारा स्टार्ट करना है बेटा क्या हो गया आपने तो पिछले वाला सारा छोड़ा हुआ है वो हमें दोबारा करना है आपको नेक्स्ट पढ़ना है आपने पेपर तो नहीं देने ना नहीं नहीं पेपर नहीं देना हाँ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यू जस्ट रिलैक्स अक्टूबर में बस जी तो नेक्स्ट 37 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आपने घर में करना है इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट आई वांट यू टू डू दैट क्वेश्चन एट होम 37 क्वेश्चन जो है आसान है ठीक है जी उसके बाद 38 क्वेश्चन की हम बात करते हैं सर पिक तो लेने दें स्क्रीनशॉट एक मिनट 38 भी क्वेश्चन इजी है वो भी आपने करना है मैं एक मिनट कर रहा हूँ थोड़ा इसको शॉर्ट कर दें जी देने पिक्चर आप ले ली सर ठीक है जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो आपने करना है वो ये है आपके सामने इसकी भी पिक्चर आपको लेनी पड़ेगी पिक्चर लेने इसकी भी ये भी आपने घर में करना है ठीक हो गया जी नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट 39 क्वेश्चन को अभी हम कमिट करते हैं और 40 क्वेश्चन जो है इसको भी हम छोड़ देते हैं फिलहाल इसमें अगर आप देखें देखें इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं अभी जल्दी से कोशिश करते हैं इसको हम सॉल्व करने की जो असल पॉइंट है उसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 42 है अक्टूबर नवंबर 17 22 7110 इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है आई विल नॉट सॉल्व द होल क्वेश्चन आई विल जस्ट टॉक अबाउट द मार्कअप एंड मार्जिन देखिए 1 जनवरी को ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपको 19,700 की कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 2,40,000 की एक्सपेंसिज है कैपिटल इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल बैंक लोन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 25% बेटा अब जरा यहाँ पे जरा गौर से सुनिएगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन क्या होता है आपको पता होना चाहिए दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस क्वेश्चन हमें सेल्स नहीं दी हुई हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई कितनी 2,40,000
40,000. अब आपको क्या करना पड़ेगा? यस यू आर राइट, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कन्वर्जन ऑफ मार्जिन इनटू मार्कअप. आपको मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज सवाल सॉल्व हो नहीं सकता. कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है, उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज. इसको हम पुट करते हैं फार्मूले में. परसेंटेज कितनी है मार्जिन की? 25 ओवर 100 माइनस 25. अब जो ये आंसर आ जाएगा ये मार्कअप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो इसका आंसर आएगा वो मार्जिन नहीं होगा, वो मार्कअप बन जाएगा. और वो क्या बनेगा? 25 डिवाइडेड बाय 75. दिस इज नाउ मार्कअप. नाउ यू कैन इजीली फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट बाय यूजिंग दिस मार्कअप, बिकॉज मार्कअप इज ए प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दी हुई है 2,40,000. इसका हम निकाल लेंगे कितना, 25 डिवाइडेड बाय 75, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लूंगा. लेकिन ये मैंने पहले मार्जिन से मार्कअप में कन्वर्ट किया है और फिर उस मार्कअप को मैंने अप्लाई किया है कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, तो मेरे पास जीपी आया है जो कि 80,000 है. अब मैं सेल्स फाइंड कर लूंगा. सेल्स हम कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कितनी है? 2,40,000. इसमें प्लस कर देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हम निकाल चुके हैं 80,000 का, तो आपके पास 3,20,000 की आ जाएंगी सेल्स. अब इस सेल्स का 25% निकालें, देखें वो 80,000 ही आएगा. अगर आप सेल्स का 25% निकालें तो आप देखें वो 80,000 ही आएगा, क्योंकि सेल्स पे मार्जिन अप्लाई होता है. यानी सेल्स पे 20 सेल्स का 25% ग्रॉस प्रॉफिट है. अगर सेल्स 3,20,000 है तो इसका अगर मैं 25% निकालूं तो मेरे पास वही आ जाएगा आंसर जो मैंने जीपी का निकाला 80,000. प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि मेरे पास सेल्स मौजूद नहीं थी, उल्टा करना पड़ा मुझे, पहले मार्जिन को जो कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स होती है मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है. तो कन्वर्जन ऑफ मार्कअप, मार्जिन इनटू मार्कअप, परसेंटेज ऑफ 100 माइनस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है 25 और 100 माइनस 25, तो मार्कअप आपका आ जाएगा 25 ओवर 75. अब मैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूं. कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय मार्कअप व्हिच इज 25 ओवर 75, तो मेरा जीपी आ जाएगा 80,000. अब मैं सेल्स में कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट करके सेल्स फाइंड कर लूंगा. 2,40,000 प्लस 80,000, तो 3,20,000 मेरी सेल्स आ जाएगी. इसी तरह आप मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे आप? वो होगा परसेंटेज या परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज. अब आपने आगे क्या निकालना है? आपने आगे निकालनी है परचेजेस. क्वेश्चन में उसने कहा है आपने परचेजेस निकालनी है और प्रॉफिट फाइंड करना है. तो आप परचेजेस निकालना मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. जी जी सर जी, मल्टीप्लाई बाय 320,000 इक्वल्स टू 80,000 का क्या मतलब जी, फिर समझाइएगा. नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि जैसे कि 25% सेल्स का 25% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, अगर आप सेल्स का 25% लेंगे तब भी वो ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा 80,000, जो कि कॉस्ट के हवाले से निकल रहा है, तो मैंने समझाने के लिए बताया है. ओके सर. अब वो कह रहे हैं कि हमने परचेजेस फाइंड करनी है, तो आपको पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, परचेजेस आप खुद फाइंड कर लेंगे. कैसे? कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर होती है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस. कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता है 2,40,000, ओपनिंग इन्वेंटरी पता है 19,700, क्लोजिंग इन्वेंटरी पता है 33,500. तो अपनी परचेजेस फाइंड कर लेंगे. प्रॉफिट फाइंड करना बहुत आसान है. ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं 80,000, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे आप 65,000 के, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा विच इज 15,000. 80,000 माइनस 65,000, यू विल गेट योर प्रॉफिट विच इज 15,000. तो परचेजेस भी निकाल लेंगे, प्रॉफिट भी निकाल लेंगे. कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोस कनेक्टेड टू डेसिमल प्लेसेस. प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये भी आप निकाल लेंगे आसानी के साथ. लेकिन इसमें हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है वो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को उस बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए. तो कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, जो आगे उसने मांगा है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट हमें पता है कितना है, 15,000 का प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट 15,000 का दिया हुआ है हमें। सर कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि 80,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, उसमें से एक्सपेंसेस मैंने माइनस कर दिए 65,000 के, मेरे पास प्रॉफिट आ गया। 80,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 65,000 जो ये लिखा हुआ है, मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 का। तो प्रॉफिट पता है मुझे 15,000। कैपिटल एम्प्लॉयड मैं निकाल लूंगा, उसका फॉर्मूला होता है बेटा कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। अब कैपिटल कितना दिया हुआ है 70,000 प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है बैंक लोन 50,000। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, ये फॉर्मूला मेरा बनेगा 15,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, बिकॉज 70,000 प्लस 50,000 इज 1,20,000 इनटू 100। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का विच इज 12.5%। ये मैंने वो रेशियो निकाल के दिखाई है आपको, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में मांगी नहीं होती लेकिन हमें रिक्वायर्ड थी, इसलिए मैंने वो निकाल के आपको दिखा दी। बाकी रेशियो सिंपल है, वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालने को कहा है उसने, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने को कहा है, वो आप इजीली निकाल सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये यहां तक हमने क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए हैं, आपके सामने हैं, और आपको भी जारी बात है इन क्वेश्चंस को देखना है। 42 क्वेश्चन हमने ये किया है सॉल्व, और अब इससे आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ज्यादा टफ होंगे। चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कल इसका लास्ट डे होगा, तो कल इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, और कुछ लेक्चर मैं आपको भेजूंगा भी थ्रू मेल, वो आप देख लीजिएगा। और बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी लेक्चर बंद करके आपको मेल भेज दूँ ताकि मुझे याद रहे और कोई मेल वगैरह कोई मिस ना हो। तो मैं आपको मेल भेजता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सवाल को सॉल्व करने में, ताकि मैं लेक्चर्स कुछ आपको भेज दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ऑल्दो आवर टाइम इज ऑल्सो ओवर, आई थिंक ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट। तो उस 1 मिनट में हम है वो सर 5:53 हो रहे हैं, 3 मिनट।